देखिए, ये कोई असमंजस नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, दिल्ली में 20 दलों ने मिलकर एक कॉमन फ्रंट बना के अदानी मामले में जांच की मांग की थी, और जांच किस तरह से होनी चाहिए उसमें एक मुद्दा था कि भाई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी बने, जो कि एक संसद की परंपरा रही है, तो वो सब ने मांग की थी। उसके बाद मुंबई आने के बाद शायद पवार साहब ने कुछ अलग स्टेटमेंट दिया कि शायद जेपीसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी राय बिल्कुल उस पर फर्म है कि जेपीसी एक बहुत बड़ा एक पार्लियामेंट के हाथ में एक अस्त्र है, जिससे कि सच्चाई तक पहुंच सकते हैं हम। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है प्रधानमंत्री को भी, क्योंकि राजीव गांधी ने बोफोर्स की जेपीसी मान ली थी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी ने हर्षद मेहता के टाइम जेपीसी स्वीकार की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 जेपीसी मानी थी, एक केतन पारेख के मामले में थी, एक वो पेस्टिसाइड के बारे में थी। तो उसमें कोई बात नहीं है कि, और उसमें जैसे पवार साहब ने सही कहा है, जेपीसी में सत्ता पक्ष की ही मेजोरिटी होती है, लेकिन उसमें सत्य शोधन होता है, उसमें सारे कागजात जेपीसी के पास आते हैं, और उस सार्वजनिक रूप से प्रकट हुए कागजात पे सारे देश में चर्चा हो सकती है। इसलिए हमारी मांग जेपीसी के बारे में फर्म है। सब पवार साहब ने अपनी जो बात थी उन्होंने भी मान लिया है कि अगर मेजोरिटी 19 पार्टियां अगर जेपीसी चाह रही तो उनको कोई आपत्ति नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।